हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं कंटिन्यूटी चैप्टर के बारे में। तो कंटिन्यूटी चैप्टर में आपने कल पढ़ा था कंटिन्यूटी एट अ गिवन पॉइंट, एंड आपने क्या पढ़ा था, फाइंड द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट इफ फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट अ गिवन पॉइंट, राइट। आज हम बात करेंगे कंटिन्यूटी ऑफ एन इंटरवल। क्या बात करेंगे, कंटिन्यूटी ऑफ एन इंटरवल। ओके, इसमें क्या होता है हमारे पास, एक आपको इंटरवल दे जाएगा। इंटरवल मतलब आपको बाउंड्री कंडीशन दे दी जाएगी। ओके, बाउंड्री कंडीशन दी जाएगी हमारे पास, जैसे कि हमें क्लोज ब्रैकेट दे दिया ए टू बी। ओके, तो क्लोज ब्रैकेट दिया गया मतलब कहने का है कि इसके राइट साइड का पोर्शन चाहिए और इसके लेफ्ट साइड का पोर्शन चाहिए। समझ में आया, मतलब आरएचएस के लिए बात करेंगे, क्या करेंगे, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए पॉजिटिव, राइट। और एलएचएस की अगर बात करेंगे तो हो जाएगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू बी नेगेटिव। ध्यान से देखिए क्या बोल रहा हूं, ए के लेफ्ट साइड का पोर्शन तो लेंगे नहीं, क्लोज ब्रैकेट का मतलब होता है, स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब होता है कि ए से बी तक वैल्यूज इंक्लूडिंग ए और बी। ओके, तो इसके राइट साइड की वैल्यू चाहिए और इसकी वैल्यू चाहिए f ऑफ a की, राइट। b के लेफ्ट साइड की, क्योंकि b से हमें ग्रेटर वैल्यू नहीं है हमारे पास। ओके, तो b की ग्रेटर वैल्यू नहीं है मतलब क्या होगा, हमारे पास b से लेस वैल्यू चाहिए और b पर चाहिए। ओके, तो अगर ये वैल्यू हमारे पास सेम आती है, अगर ये वैल्यू हमारे पास सेम आती है तो फंक्शन कैसा होगा, हमारे पास कंटिन्यूटी होगी एट अ गिवन इंटरवल। ओके, तो पहला एंड डालिए, फर्स्ट हेडिंग कंटिन्यूटी ऑफ एन ओपन इंटरवल, सब हेडिंग नंबर पॉइंट, सब पॉइंट नंबर वन, कंटिन्यूटी ऑफ एन ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल क्या होता है हमारे पास, ये होता है हमारे नॉर्मल ब्रैकेट फॉर्म में। ओके सर, राउंड ब्रैकेट, इसमें क्या होता है, इसमें लिखते हैं ए और बी। यहाँ पे इसका क्या मतलब है, ए टू बी के बीच की सारी वैल्यूज एक्सक्लूडिंग ए और बी, एक्सक्लूडिंग ए और बी, राइट। एक बात करते हैं, यहाँ पे लिखिए ए फंक्शन एफ एक्स इज सेट टू बी, ए फंक्शन एफ एक्स इज सेट टू बी कंटिन्यूअस ऑफ एन ओपन इंटरवल, कंटिन्यूअस ऑफ एन ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल ए टू बी, ओपन इंटरवल ए टू बी इफ आई डबल एफ, इफ इट इज कंटिन्यूअस, इट इज कंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट ऑफ द इंटरवल, एट एवरी पॉइंट ऑफ द ऑन द इंटरवल ए टू बी। ओके, कहने का मतलब हमारे पास अगर हमने कोई ग्राफ लिया ऐसा, ये हमारे पास है, ये पॉइंट है ए और ये जो पॉइंट है ये पॉइंट है बी, ए और बी को छोड़कर, इसीलिए ए पर हॉलो सर्कल लिया हुआ है, ए को छोड़कर मतलब ए से राइट साइड, बी से लेस पॉइंट है, अगर ये वैल्यू हमारे पास सेम आ रही है तो हमारे पास क्या देगा, फंक्शन इज कंटिन्यूअस, राइट। अच्छा, नेक्स्ट एंड डालिए, नेक्स्ट एंड डालिए कंटिन्यूटी ऑन, कंटिन्यूटी ऑन एंड क्लोज इंटरवल, कंटिन्यूटी ऑफ एन क्लोज इंटरवल। इसमें लिखिए ए फंक्शन एफ एक्स, ए फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस ऑन ए क्लोज इंटरवल, क्लोज इंटरवल स्क्वायर ब्रैकेट, ऑन ए क्लोज इंटरवल ए टू बी, ए टू बी इफ I double F, if first point number one, first point F is continuous, F is continuous on the open interval A to B, on the open interval A to B, open interval A to B, open interval A to B. ए पहला पॉइंट हुआ, सेकेंड लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए पॉजिटिव,
लिमिट x टेंडिंग टू a cos ऑफ fx इक्वल टू f ऑफ a। थर्ड नंबर पॉइंट, लिमिट x टेंडिंग टू b नेगेटिव fx इक्वल टू f ऑफ b। अगर ये कंडीशन हो रही है सेटिस्फाई तो हमारे पास ऐसा बोल सकते हैं कि जो फंक्शन है हमारे पास जो गिवन है वो क्या है, कंटिन्यूस है और क्लोज इंटरवल a टू b। ग्राफिकली बात करें ऐसा हो जाएगा हमारे पास यही फंक्शन है हमारे पास जो लिया था ये है हमारे पास हॉलो सर्कल जो था हमारे पास उसको सॉल्व कर देते हैं, ये वैल्यू है a, ये वैल्यू हमारे पास b, इसके राइट साइड राइट नेबरहुड की वैल्यू f ऑफ a की इक्वल आनी चाहिए। अगर ऐसा पॉसिबल है तो हमारे पास फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूस होगा एट a पर। फिर a के b के लेस पार्ट b के लेफ्ट नेबरहुड के लेफ्ट नेबरहुड की वैल्यू b की वैल्यू के इक्वल अगर आ रही है फंक्शन पे तो हमारे पास जो फंक्शन होगा वो b पर कंटिन्यूस होगा। और साथ ही साथ ये जो फंक्शन है इन सारे पॉइंट्स पर, इन सारे पॉइंट्स पे फंक्शन कैसा होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए। ओके, अगर ऐसा पॉसिबल हो रहा है तो फंक्शन हमारे पास कंटिन्यूस होगा क्लोज इंटरवल में, अदरवाइज फंक्शन डिसकंटिन्यूस होगा। जिस एक पॉइंट पे फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो रहा है जहाँ पे इक्वल नहीं आ रहे उस फंक्शन को फंक्शन डिसकंटिन्यूस बोल देते हैं। ओके, फिर बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, आप लोग क्वेश्चन भी करेंगे। पहले कुछ पॉइंट्स हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, लिखिए नेक्स्ट हेडिंग कंटिन्यूस फंक्शन। देखिए कंटिन्यूस फंक्शन कंटिन्यूस फंक्शन, देखिए ए फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी कंटिन्यूस फंक्शन, ए फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी इज कंटिन्यूस फंक्शन इफ इट इज कंटिन्यूस, इफ इट इज कंटिन्यूस एट एवरी पॉइंट ऑफ इट्स डोमेन। इट्स डोमेन, जैसे कि मैंने बात की थी कि अगर हमारे पास एक फंक्शन लेते हैं, ऐसा फंक्शन लेते हैं हमारे पास ये जो डोमेन है हमारे पास फंक्शन का, ये फंक्शन क्या है हमारे पास, ये जो फंक्शन है ये है एफ एक्स। डोमेन क्या होता है, एक्स एक्सिस पे देखो कहीं कोई भी पॉइंट ले लो, ये या कोई भी पॉइंट ले लो अगर फंक्शन पर होना चाहिए। ओके, अगर ऐसे कोई वैल्यू आ रही है हमारे पास और ये क्या होना चाहिए, सिंपली वैल्यू कंटिन्यूस होना चाहिए, कहीं पर ऐसा ब्रेक नहीं होना चाहिए। ब्रेक हो गया मतलब फंक्शन किस पॉइंट पे आके डिसकंटिन्यूस हो गया। ओके, फंक्शन ब्रेक नहीं होना चाहिए। मैंने आपको कल बताया था या फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि अगर मैं कोई पेन रखता है उसके बाद मैंने कोई ग्राफ ड्रॉ करना चाहिए, अगर बिना उठाए वो ग्राफ बन रहा है तो ऐसा फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूस होता है। अगर बीच में मैंने ग्राफ उठा के मैंने ये ग्राफ बनाया यहाँ पे उठा के यहाँ से स्टार्ट किया इसी पॉइंट पे ऐसा, तो ये पॉइंट पे क्या हो गया, इस पॉइंट पे फंक्शन ऐसा हो गया डिसकंटिन्यू हो गया, क्योंकि मैंने क्या किया पेन उठा दिया मतलब फंक्शन इज डिसकंटिन्यू एट द गिवन पॉइंट। ओके, ये होते हैं कंटिन्यूस की डेफिनेशन। ठीक है, नेक्स्ट एवरीवेयर कंटिन्यूस फंक्शन, एवरीवेयर कंटिन्यूस फंक्शन। एवरीवेयर कंटिन्यूस का मतलब क्या हो गया कि नाम से समझ में आ रहा है कि कंटिन्यूटी होनी चाहिए, कंटिन्यूस में जो हर एक जगह पे कंटिन्यूस होना चाहिए। लिखिए ए फंक्शन एफ एक्स इज सेट टू बी, ए फंक्शन एफ एक्स इज सेट टू बी एवरीवेयर कंटिन्यूस इफ इट इज कंटिन्यूस ऑन द एंटायर रियल लाइन ऐसे देखो रियल लाइन माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी। ओके, एंटायर रियल लाइन माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी। ओके, नोट कर लीजिए। फिर बात करते हैं नेक्स्ट के बारे में, प्रॉपर्टीज ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन। देखो ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट लेक्चर के लिए, नेक्स्ट चैप्टर के लिए। ओके, तो मैं स्टार्ट करूंगा डिफरेंशियल
इक्वेशन हो डिफरेंशियल कैलकुलस, इसको बोलते हैं डिफरेंशिएबिलिटी का चैप्टर है, कंटीन्यूअस पे ही डिपेंडेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट प्रॉपर्टीज ऑफ कंटीन्यूअस फंक्शन, प्रॉपर्टीज ऑफ कंटीन्यूअस फंक्शन। देखिए फर्स्ट नंबर पॉइंट, इफ एफ एंड जी, फर्स्ट प्रॉपर्टी है इफ एफ एंड जी, ये दो फंक्शन है, इफ एफ एंड जी आर टू कंटिन्यूअस फंक्शन ऑन दियर कॉमन डोमेन, ऑन दियर कॉमन डोमेन, मतलब एफ का भी डोमेन जो होगा और जी का जो डोमेन होगा उसमें जो कॉमन पोर्शन होगा, ओके कॉमन पोर्शन होगा उसको बोलते हैं हम लोग कॉमन डोमेन, जो कि हम लोग फंक्शन चैप्टर में पढ़ा था कि डोमेन कैसे होता है कॉमन। ऑन देयर कॉमन डोमेन देन सब पॉइंट नंबर फर्स्ट ए लिखे, एफ प्लस जी इज कंटिन्यूअस ऑन, एफ प्लस जी इज कंटिन्यूअस ऑन कॉमन डोमेन डी, एफ प्लस जी इज कंटिन्यूअस ऑन कैपिटल डी, जो कैपिटल डी है उसे बोलते हैं कॉमन डोमेन। सेकेंड लिखिए सब पॉइंट नंबर टू, एफ माइनस जी इज कंटिन्यूअस ऑन डी। थर्ड लिखिए एफ इंटू जी इज कंटिन्यूअस ऑन डी, ओके थर्ड हो गया ये। फोर्थ लिखिए ए इंटू एफ इज कंटिन्यूअस ऑन डी, वेयर ए इज आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट, ओके नेक्स्ट एफ अपॉन जी इज कंटिन्यूअस ऑन डी माइनस x such that gx equal to 0, ओके क्यों? क्योंकि अगर हमारे पास gx 0 हो गया तो फंक्शन क्या हो जाएगा, नॉट डिपेंड हो जाएगा, और जिस पॉइंट पर x मतलब जिस पॉइंट पर gx 0 होता है डोमेन से, उस पॉइंट को अगर मैं निकाल दूं तो जो पॉइंट बचेंगे हमारे पास उस फंक्शन में, फंक्शन कैसा होगा, कंटिन्यूअस होगा। ओके नोट कर लीजिए, देखिए 1 अपॉन f इज कंटिन्यूअस। नेक्स्ट पॉइंट है f नंबर पॉइंट 1 अपॉन f इज कंटिन्यूअस, ऑन b माइनस x सच दैट f ऑफ x इक्वल टू 0, b माइनस x सच दैट f ऑफ x इक्वल टू 0, ओके नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए प्रॉपर्टी नंबर टू, द कंपोजिशन ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन। अब आप बात करेंगे कंटिन्यूअस क्या होता है, तो कंपोजिशन क्या होता है, कंपोजिशन आपने फंक्शन चैप्टर पढ़ा था जहां पर कहा जाता है कि जी ऑफ एफ एंड एफ ऑफ जी, मतलब हमारे पास एफ एक्स इक्वल टू दिया होगा एक्स स्क्वायर
जी एस दिया हुआ हमारे पास साइन एक्स, हमने आपको बताया था फॉग निकालना, फॉग ऑफ एक्स, फॉग ऑफ एक्स का मतलब एफ ऑफ जी एस। देखिए एफ के अंदर क्या आ गया, जी एस, यही जो फंक्शन होते हैं इन्हीं को बोलते हैं हम लोग कंटिन्यूस फंक्शन। लिखिए एफ ऑफ जी क्या है, साइन एक्स। अब क्या करेंगे, एक्स के प्लेस पे क्या करोगे, साइन एक्स को कर दोगे, मतलब क्या आएगा हमारे पास, साइन एक्स का स्क्वायर, मतलब साइन स्क्वायर एक्स, ये हो गया। और आप बात करते हैं गॉस की, गॉस मतलब जी ऑफ एफ एक्स, मतलब जी ऑफ एफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे एक्स के प्लेस पे क्या रखेंगे, एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन एक्स स्क्वायर, ऐसे जो फंक्शन होते हैं उनको बोलते हैं कंपोजिशन फंक्शन, जो गॉस फॉग ये सब फंक्शन होते हैं। ध्यान से देखिए एफ एक्स कैसा है, कंटिन्यूस है, क्योंकि ये पहला बोला है। साइन जी एस कैसा है, साइन एक्स है, कंटिन्यूस है, क्यों, क्योंकि ये साइन एक्स का होता है, हमेशा जिगजैग मोशन नहीं चलता, हार्मोनिक मोशन, दोनों मोशन ऐसे ही कंटिन्यूस है। अगर मैं फॉग की बात करूँ तो फॉग कैसा आएगा, कंटिन्यूस आएगा, गॉस की बात करूँ कैसा आएगा, कंटिन्यूस आएगा, ओके, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए, एक कॉन्स्टेंट फंक्शन इज एवरीवेयर कंटिन्यूअस, थर्ड नंबर पॉइंट, ए कॉन्स्टेंट फंक्शन इज एवरीवेयर कंटिन्यूअस फंक्शन। फोर्थ नंबर पॉइंट, कॉन्स्टेंट फंक्शन में कोई कुछ भी पुट करोगे हमें कोई असर नहीं पड़ता है। जैसे मेरे पास एफ एक्स इक्वल टू 4 दे दिया गया, तो आप 1 पुट करो तब भी 4 आएगा, 3 पुट करो तब भी 4 आएगा, 400 पुट करो तब भी 4 आएगा, 100000 पुट करो तब भी क्या आएगा, 4 आएगा, ओके। तो हमारे पास कॉन्स्टेंट फंक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए वो फंक्शन कैसा होता है, एवरीवेयर कंटिन्यूस होता है। नेक्स्ट द आइडेंटिटी फंक्शन, दी आइडेंटिटी फंक्शन इज एवरीवेयर कंटिन्यूस। If f is continuous on its domain, if f is continuous on its domain D, then mod of f, then mod of f is also continuous on capital D. ओके, देखते हैं ये बाकी कुछ मतलब नहीं है, अगर एफ एक्स कंटिन्यूअस है, मॉड एफ क्या बोलते हैं, मान एफ एक्स के लिए आगे वाई इक्वल टू या एफ एक्स इक्वल टू साइन दे देंगे, ओके, साइन का कैसा होता है, बस सिक्स से अगर होता है बस, ओके, साइन का कैसा होता है, सिक्स होता है, अगर मैं यहां पे लूं मॉड ऑफ एफ एक्स तो ये क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ साइन एक्स हो जाएगा, मॉड साइन ऑलवेज पॉजिटिव, मतलब कैसा है, ऐसा है, ये हमारे पास इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है कि फंक्शन कैसा है। अगर f कंटिन्यूस है, अगर f फंक्शन कंटिन्यूस है, यहाँ पे साइन लिया है मैंने, आप कुछ भी ले लो, x ले लेते हैं, तो x क्या होता है हमारे पास, ये होता है y f x equals to x, तो mod f की बात करेंगे, mod f क्या हो जाएगा, mod x, mod x का कैसा होता है, b से होता है, तो बताया भी तक ना होता है, ओके, तो ये देखिए कंटिन्यूस हमारे पास हमेशा रहेगा, जो भी डोमेन दिया था उसके रिगार्डिंग ये हमेशा कंटिन्यूस रहेगा, ओके, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये आप याद कर लीजिए, अगर नहीं भी याद करेंगे देख के आप बता सकते हैं कि फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूस है। नेक्स्ट बात करते हैं सिक्स नंबर पॉइंट की, देखिए एक पॉलीनोमियल फंक्शन, एक पॉलीनोमियल फंक्शन
इज एवरीवेयर कंटिन्यूअस, एवरीवेयर कंटिन्यूअस फंक्शन. सेवन, द मॉडुलस फंक्शन इज ऑलवेज, द मॉडुलस फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन इज एवरीवेयर कंटिन्यूअस. ओके, नोट कर लीजिए. नेक्स्ट कितने हो गए, सेवन. नेक्स्ट देखिए एट नंबर, द एक्सपोनेंशियल फंक्शन, द एक्सपोनेंशियल फंक्शन a raised to x in bracket a greater than 0 is everywhere continuous. Nine number, the logarithmic function, logarithmic function log x, log x base a, where a greater than 1 is everywhere continuous. ओके, तो ये सब प्रॉपर्टीज हैं, ये आपको याद करनी है क्योंकि ये एक्चुअल में साइंस के लिए यूज होती है, बट कुछ क्वेश्चन में आपको देखने को मिल सकता है. ओके, ये नोट कर लीजिए. नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चंस की. देखिए, इफ ए फंक्शन एफ, इफ ए फंक्शन एफ defined by fx equals to, defined by fx equals to mod x minus 4 upon a x minus 4, x does not equal to 4, और यहां पर है हमारे पास 0 when x equals to 4. show that function fx is everywhere continuous except x equal to 4. Okay, तो हमें एक्चुअल में क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है कि अगर मैं 4 पे इसकी डिसकंटिन्यूटी प्रूव कर दूं तो फंक्शन कैसा हो जाएगा, एवरीवेयर कंटिन्यूअस हो जाएगा. ओके, तो देखते हैं एलएचएल की बात करते हैं. एलएचएल लिमिट x टेंडिंग टू 4 नेगेटिव, फंक्शन क्या है, मॉड में x माइनस 4 अपॉन में x माइनस 4. ओके, देन यहां पे क्या रहेगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 4 माइनस x माइनस 4 अपॉन में 4 माइनस x माइनस 4, लिमिट x टेंड्स टू 0 मॉड में माइनस x अपॉन में माइनस x, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस h, न्यूमरेटर क्या देगा मॉड में से प्लस हो जाएगा, अपॉन में माइनस x, देन लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस 1, लिमिट अप्लाई करेंगे एलएचएल की वैल्यू आ गई माइनस 1. ओके, अब ध्यान से देखिए
NHL does not equal to f of 4, does not equal to f of 4, मतलब क्या हो गया? Function fx is discontinuous at x equal to 4. Okay? Local is अगर 4 पे चेंज कर रहा था उसके बाद हमारे पास क्या जाएगा मैग्नेटिक कंटीन्यूअस है. ओके नेक्स्ट बात करते हैं. डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन fx equals to mod x upon x. यहाँ पर हमारे पास जीरो. x is not equal to zero. x equal to zero. Okay, यहाँ पे चेक करना. और कुछ नहीं दिया. आपको किस पॉइंट पे चेक करना है ये भी नहीं दिया. अच्छा. तो अब क्या करेंगे? ध्यान से देखिए फंक्शन को. किस पॉइंट पे बात किया गया? जीरो के लिए. मैं जीरो पे बात कर दूँ. जीरो के बाद करेंगे क्या आएगा हमारे पास? तो यहाँ पे जीरो के लिए बात करेंगे. फंक्शन कैसा आएगा? हमेशा पता चल जाएगा कि जीरो को छोड़ के. जीरो पे चेक कर लेंगे. जीरो पे छोड़ के क्योंकि हमें जीरो पॉइंट नहीं दिया गया है. हमें इससे मतलब होता है डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन fx इक्वल्स टू दिस. जो पॉइंट दिया गया है उस पॉइंट के लिए अगर मैं प्रूव कर दूँ कि अगर ये यहाँ पे कंटिन्यूस है तो अभी कंटिन्यूस हो जाएगा. अदरवाइज आपको क्वेश्चन में डिस्क्राइब हो गया कि पहले क्वेश्चन दिया था कि आपको प्रूव करना था फंक्शन इज कंटिन्यूअस एवरीवे कंटिन्यूअस एक्सेप्ट एक्स इक्वल्स टू 4. ओके यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं बोला. यहाँ पे क्या बोला? डिस्कस द कंटिन्यूटी. डिस्कस करनी है किस पॉइंट पे? जीरो पर. तो जीरो पे बात कर लेते हैं. Limit x tends to 0, 1, apply limit.
अप्लाई लिमिट क्या हो जाएगा? वन। ध्यान से देखो, एल एच एल डज नॉट इक्वल टू आर एच एल, क्यों? क्योंकि एल एच एल क्या है, माइनस वन है, आर एच एल क्या है, वन है, और एफ ऑफ जीरो भी अगर तो जीरो दे रखा है। ओके, तो यहाँ पे एल एच एल डज नॉट इक्वल टू आर एच एल, आप चाहो तो ऐसे देखते हो कि डज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ जीरो, फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू जीरो। ओके, फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू जीरो, मतलब फंक्शन क्या हो गया हमारे पास, ऐसे कहते हैं फंक्शन इज कंटिन्यूअस, एवरीवेयर कंटिन्यूअस, ऐसा भी ले सकते हैं, नोट कर ले सकते is
नॉन कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू जीरो। ओके, अब बात कर लीजिए जीरो की, इसको और किस तरीके से लिख सकते हैं, लिख सकते हैं एफ एक्स फंक्शन इज एवरीवेयर कंटिन्यूअस एक्सेप्ट एक्स इक्वल टू। अगर हमारे पास इस पॉइंट में भी हमारे पास इक्वल आ जाता तो फंक्शन एवरीवेयर कंटिन्यूस हो जाता। ओके, बट यहाँ पे जीरो पे नहीं आया इक्वल, इसको इसलिए लिखा है एक्सेप्ट एक्स इक्वल टू जीरो। अगर यहाँ पे कंटिन्यूस हो जाता है तो हम कहते हैं फंक्शन एफ एक्स इज एवरीवेयर कंटिन्यूस। ओके, एक्सेप्ट का केस ही नहीं आया। Show that the function f defined by fx equals to mod 1 minus x plus mod x जीरो पॉजिटिव मॉड वन माइनस एक्स
प्लस मॉड एक्स लिमिट एच टेंड्स टू जीरो वन माइनस जीरो प्लस एच प्लस जीरो प्लस एच ऐसे होगा। यहाँ पे प्लस साइन ये कैंसिल नहीं होगा, क्या हो जाएगा वन प्लस टू एच लिमिट अप्लाई करोगे तो वन प्लस जीरो दैट इज वन। देखो यहाँ पे क्या जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू जीरो वन माइनस एच प्लस में एच 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 कैंसिल लिमिट एच टेंड्स टू जीरो अप्लाई लिमिट क्या हो गया वन। देखो यहाँ पे एल एच एल भी वन आया आर एच एल भी वन आया एफ ऑफ जीरो चेक कर लेते हैं एक बार एफ ऑफ जीरो क्या आएगा मॉड वन माइनस जीरो प्लस मॉड जीरो दैट इज मॉड वन माइनस जीरो प्लस जीरो दैट इज वन। यहाँ से क्या हो गया एल एच एल इक्वल्स टू आर एच एल इक्वल्स टू एफ ऑफ जीरो फंक्शन इज एवरीवेयर कंटिन्यूअस। ध्यान से देखो क्यों क्या है क्योंकि यहाँ पे आपके पास एल एच एल भी नहीं आ रहा है आर एच एल इक्वल और आर एच एल भी नहीं आ रहा है हमारे पास एफ ऑफ जीरो के इक्वल आ रहा है एवरीवेयर कंटिन्यूअस। अगर किसी एक वैल्यू के इक्वल नहीं आ रहा होता फंक्शन क्या होता डिसकंटिन्यूअस होता। ओके नोट कर लीजिए एक बार ट्राई कीजिए आप क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन हम थोड़ी देर पहले हम लोग कर चुके हैं। ओके तो एक बार ट्राई कीजिए फिर मैं आपको इसको सॉल्व किया यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं थ्री और फाइव पे चेक कर रहे हैं।
क्योंकि यहाँ पर फंक्शन 3 दिया हुआ है, 5 से लेस दिया हुआ है। ओके मैं पहले 3 पे चेक करता हूँ, एट x इक्वल टू 3 LHL भी आएगा हमारे पास। ध्यान से देखिए, लिमिट x टेंडिंग टू 3 नेगेटिव, 3 नेगेटिव फंक्शन है हमारे पास 1, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, राइट की लिमिट अप्लाई कर दें, अप्लाई लिमिट क्या आ गया हमारे पास 1। RHL की बात कर लेते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 3 पॉजिटिव, 3 पॉजिटिव फंक्शन क्या है, ax plus b, यहां से क्या देगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 a ब्रैकेट 3 plus h plus b, अप्लाई कर दो लिमिट, क्या हो जाएगा 3a plus b। अच्छा फंक्शन अगर 3 पर कंटिन्यूअस है, फंक्शन fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3, तो क्या हो जाएगा LHL इक्वल टू RHL, मतलब 3a plus b इक्वल टू 1, सॉरी बता ही दिया मैंने, 1 इक्वल टू 3a plus b, मतलब क्या हो गया 3a plus b इक्वल टू 1। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ओके इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब बात करते हैं एट x इक्वल टू 5 के लिए LHL क्या आएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 5 नेगेटिव, 5 नेगेटिव फंक्शन ax plus b, लिमिट x टेंड्स टू 0 5 ब्रैकेट सॉरी a ब्रैकेट 5 माइनस x प्लस b, अप्लाई करो लिमिट को क्या आएगा 5 a प्लस b। ओके फिर बात करते हैं RHL की, RHL क्या देगा, लिमिट x टेंडिंग टू 5 पॉजिटिव, 5 पॉजिटिव के लिए क्या दिया हुआ है 7, यहाँ पे लिमिट डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो, क्या आएगा हमारे पास 5। फिर देखो भैया फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 5 LHL equals to RHL, LHL क्या है 5a plus b equal to 7, equation number 2। अब क्या करेंगे, equation 1 और 2 को solve करेंगे, solving equation 1 and 2, equation 1 and 2, 5a plus b equal to 7, 3a plus b equal to 1, subtract कर दो, subtract करेंगे तो मुझे हमारे पास क्या आया 2a equal to 6, a equal to 3, a की वैल्यू 3 आ गई, किसी भी क्वेश्चन में डाल दो, यहाँ पर कर दो b equal to क्या आएगा minus 8। ओके आपको नहीं समझ में, यहाँ पर डाल दो 15 plus b equal to 7, b equal to क्या आ गया minus 8, तो हमें a और b की वैल्यू मिली। और इसी क्वेश्चन के साथ में जो कंटिन्यूअस चैप्टर था, कंटिन्यूअस चैप्टर था, वो फिनिश होता है। ओके इसके आगे आपको नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, न्यू चैप्टर लेकर आएंगे, उसके बाद में हम लोग कैलकुलस में अभी एंट्री कर चुके हैं। ओके डिफरेंशिएबिलिटी इस पर, लिमिट पर, फंक्शन पर डिपेंडेंट है, इसलिए आप पीछे का क्वेश्चन रिवाइज करते रहिए और डेली डेली क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए। जिन टॉपिक आपको आज पढ़ाया जा रहा है वो टॉपिक पर क्वेश्चन जरूर सॉल्व कीजिए, क्योंकि आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तभी आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। ओके आज के लिए इतना, नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ओके।